नमस्कार। वॉर्म वेलकम। नमस्कार। हम वेट कर रहे हैं तो और हमारे दर्शक जैसे जैसे जुड़ते हैं। नमस्कार शालिनी जी, नमस्कार गौरव जी, आशिक जी नमस्कार, रत्नश्री जी नमस्कार, विश्व दत्ता जी नमस्ते, वंदना जी नमस्ते। संगीत कितना खूबसूरत है, हम सबको एक इतनी आनंद देता है और जोड़ता है हम सभी को। वी आर सो ग्रेटफुल दैट वी हैव म्यूजिक इन आवर लाइव्स। सगीर हुसैन मलिक जी सलाम, आपको भी। वंशिका नमस्कार, अमित जी नमस्ते। संगीत एक बड़ा ही, मुझे तो लगता है जैसे कि संगीत एक जैसे एक ऐसी पिल होती है ना, जिससे कि तरोताजा हो जाते हैं हम, वैसा संगीत है। और हम जब भी गुरुवार सभा करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और हम सभी को एक हफ्ते भर का, जैसे कहते हैं ना, तरोताजा हो जाते हैं सबको देखकर और गाना सुन के। क्योंकि अभी तो हम किसी को देख नहीं पाते हैं और मिल नहीं पाते हैं। ओ पूजा जी थैंक यू फॉर योर कमेंट, एंड वी आर सो ग्रेटफुल दैट गुरु जी विल बी जॉइनिंग अस टुडे। And great, some questions have started to come in. तो आज की सभा हम लोग शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपने अपने रूप में यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ एंड यू आर कीपिंग बिजी टू हैव अ ग्रेट टाइम विथ योर फैमिली एंड विथ योर लव्ड वंस एट होम। आप अपने परिवार जन के साथ, अपने संबंधियों के साथ घर पे हैं और आनंद ले रहे हैं, यही मैं कामना कर रही हूँ कि दिस इज हाउ द सीन इज। और अपने अपने रूप में हम देख रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को खुश रखें और इस समय को सबसे ज्यादा सदुपयोग कर सकें। एब्सोल्युटली रवि जी, वी आर ऑल स्टेइंग सेफ, एवरीबॉडी स्टेइंग सेफ। थैंक यू सो मच। एंड आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साथ गुरु जी तो अभी आएंगे आशीर्वाद देने के लिए, बट मेरे एक बहुत ही प्यारे गुरु भाई हमारे बीच आज मौजूद हैं। और मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। अरविंद कुमार जी आ चुके हैं स्टूडियो में। नमस्कार 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 अरविंद जी, अरविंद कैसे जी, हैं आप? कैसी हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लग बहुत रहे अच्छे हैं लग रहे आप। हैं और आप।
रोहित आपको रोहित आपको बढ़िया बढ़िया रख रहा है। रख रहा है। अच्छा, मेरा मानना मेरा है, मानना क्योंकि है क्योंकि आप संगीत से आप अच्छे संगीत अच्छे से से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। कोशिश कर रहा हूं और आज इस तरह से जिस तरह से आपने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है तो और भी अच्छा आप अपने आप को मैं फील कर पा रहा हूँ। सॉरी, आई थिंक सॉरी आई थिंक इंटरनेट इंटरनेट के वजह से की मैं वजह कहीं से मैं गायब हो गई थी। गायब हो गई मेरा थी। आवाज मेरा अच्छा जा आवाज रहा अच्छा है, जा रहा है तो आप कैसे तो आप हैं? कैसे थोड़ा हैं? मुझे, बड़ा हम मुझे सभी सभी लोग जो हैं लोग जो आपके हैं बारे में, आपके बारे एवरीबॉडी में वांट्स एवरीबॉडी टू वांट्स नो, टू अबाउट यू। अबाउट मैं तो बिल्कुल मैं तो हमारे जो हमारे जो अरविंद अरविंद जी हैं, जी हैं ये आप जो है स्वर आप जो साधना है स्वर केंद्र साधना जो केंद्र चल रहा है और चल रहा है और संगीत संगीत और स्वर साधना केंद्र साधना केंद्र संगीत संगीत की की शिक्षा शिक्षा आ है लोगों रहा को, है उनको और बहुत अच्छा और बहुत सिखाते अच्छा हैं सिखाते अरविंद हैं जी। अरविंद जी एंड एंड ही इज आल्सो द ही इज गेस्ट आल्सो द लेक्चरर गेस्ट ऑफ लेक्चरर और नेताजी सुभाष नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ इन दिल्ली। टेक्नोलॉजी इन दिल्ली और वैसे और अरविंद वैसे जी तो अरविंद बिहार जी तो बिहार के हैं, के हैं। तो तो मैं आपका मैं बहुत बहुत आपका स्वागत बहुत बहुत करती हूँ स्वागत अरविंद करती जी। हूँ अरविंद जी। आप मुझे सुन पा हाँ रहे मैं हैं? सुन पा रही हूँ या सुन रहा हूँ। तो हमें तो थोड़ा हमें सा थोड़ा सा अपने बारे अपने में बारे में बताइए। मैं बताऊँ सबसे पहले जो भी श्रोता जुड़े हुए हैं और मुझे प्यार देने के लिए आए हैं मैं उनको नमस्कार करते हुए सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं पूजनीय गुरुदेव लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित जी का मैं शिष्य हूँ। आज मैं जो भी हूँ गा रहा हूँ बजा रहा हूँ दिल्ली में अगर हूँ तो मैं गुरु जी के ही आशीर्वाद से हूँ। मैं उनका शिष्य शिष्य ही नहीं मैं उनका बच्चा भी हूँ। वो मेरे गुरु ही नहीं मेरे पिता भी हैं और मेरे माता पिता मेरे जन्म जन्म देने वाले तो अब नहीं है लेकिन गुरु जी और गुरु माँ के द्वारा हमेशा हमको माता पिता का भी प्यार मिलते रहता है। इन दोनों का आशीष हमेशा बना रहता है और मैं गा रहा हूँ बजा रहा हूँ सिखा रहा हूँ तो ये सब गुरु जी के आशीर्वाद से ही है। आज जो मैं इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला इसके लिए शंकर गंधर्व महाविद्यालय ग्वालियर के हम बहुत आभारी हैं कि इस स्टेज पे मुझे गाने का सौभाग्य मिला। अरविंद भाई, अरविंद भाई मैं मैं ये कहना ये चाहती हूँ, कहना ये आपका चाहती हूँ कि परिवार आपका है, परिवार है आपको धन्यवाद करने की धन्यवाद जरूरत करने की नहीं है। जरूरत नहीं है। जी, आप कुछ जी कहना? आप कुछ कह रहे और आज जो आज का समय है जो वातावरण है हम सब आज कोरोना के कारण अपने घर में बंद है। लाइव कार्यक्रम श्रोताओं के बीच में जाके जो कार्यक्रम हम लोग करते थे वो इस समय संभव नहीं है लेकिन इस समय में भी आपने जो इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया और 2-3 रोज से मैं देख रहा हूँ कि मीता जी मैंने हर समय गाइड करती हैं एक एक पॉइंट को वो देखती हैं सुनती हैं चेक करती हैं तो
आज के विशेष रूप से मैं विदुषी मीता पंडित जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जी मीता पंडित ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मुझे एक गाने का मौका मिला। इसके लिए मैं मीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और धन्यवाद करता हूँ। मैं क्या कहूँ, मैंने क्या आपसे कहूँ, मैंने आपसे यही 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 कहा कि आप कहा कि हमारे आप भाई हमारे हैं और भाई मैं हैं आपका और मैं पूछ है। आपका पूछ है। अब अब मैं मैं गुरु जी गुरु को जी को गुरु ये हैं जी हैं मैं उन चरणों गुरु में जी हैं बुलाती हूँ, उनको प्रस्तुत उनको आए। आए। प्रणाम गुरु जी, भगवान तुम्हारी भगवान भला करे। तुम्हारी भला करे। बोलिए बोलिए। गुरु जी, अब आप अपना आशीर्वाद दीजिए और मैं शुरू करना चाहता हूँ आपका जरूर शुरू इजाजत करें, शुरू अगर मिले करें। तो। हमारे बहुत हमारे से बहुत अच्छे से सही सदर गांधी सदर गांधी विद्यालय विद्यालय और और अनेक अनेक संगीत के भक्त संगीत के भक्त अभी देख अभी रहे हैं। देख रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना मैं कहना सिर्फ इतना चाहती कहना हूँ कि चाहता हूँ एक जो गुरु एक के जो पास गुरु के जाना है पास जाना और और द द फाइंड द राइट राइट गुरु, गुरु दिस इज अ वेरी वेरी इज अ एक वेरी बहुत वेरी जरूरी बहुत जरूरी बात होती है बात कोई होती भी कोई आर्ट भी के आर्ट समय। इस समय और हम सभी और का हम अपना सभी का अपना 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 अनुभव रहता है। अनुभव रहता है। तो अरविंद जी, आप तो अरविंद जी बिहार से आपको हैं, बिहार आपका से हैं, क्या आपको अनुभव रहा है क्या कहा और थोड़ा सा और गुरु थोड़ा शिष्य सा गुरु परंपरा शिष्य के बारे में परंपरा तो के बारे में बताइए, आपका बताइए, कैसा आपका अनुभव कैसा रहा है? अनुभव। मेरा अनुभव, मैं बहुत मिडिल क्लास मध्यम क्लास से मैं आया हूँ। मेरे पिताजी भजन बहुत अच्छा गाते थे, कृष्ण के उपासक थे। शुरुआत तो आप अपने पिताजी से मिला, फिर वहाँ पे हमारे बहुत सारे गुरु हुए, उन सबों से मैंने सीखा समझा जाना। तो उस समय हमको एक टाइम था कि अपने गुरुजी को फी देने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मेरी माँ कभी गुरुजी को देने के लिए कभी सब्जी, कभी अनाज, माने किसी न किसी रूप में। और वहाँ जो हमारे गुरुजी थे, रामाश्रय पद्दार जी, पंडित रामाश्रय पद्दार जी, रामचंद्र झा जी, तो वो लोग भी इससे खुश हो जाते थे। तो माने मुश्किल तो जब कुछ सीखना पढ़ना है तो मुश्किल तो है ही। और उनमें से एक गुरु हुए जिन्होंने मुझे सलाह दिया कि अरविंद, अब तुम दिल्ली जा रहे हो, तो दिल्ली जा रहे हो तो गुरु जी के नाम बताया कि तुम दिल्ली अगर जा रहे हो तो पंडित लक्ष्मण कृष्णा पंडित जी के यहाँ जाना और तुम उनके यहाँ जाकर के सीखना। और इस तरह से मैं धीरे धीरे गुरु जी तक मैं पहुंच गया। मैं एक बात जरूर आज कहना चाहूँगा, क्योंकि आज लाइव कुछ हमारे पेरेंट्स भी हैं, कुछ संगीत सीखने वाले बच्चे भी होंगे, मैं उनसे एक एक पॉइंट कहना चाहूँगा। विशेष रूप से चूंकि मैं एक संगीत शिक्षक हूँ इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जब मैं गुरु जी के यहाँ आया दिल्ली तो गुरु जी ने मुझे संगीत सिखाना शुरू कर दिया, संगीत सिखाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन गुरु जी ने मुझे कहा कि अरविंद, तुम्हें बोलने में दिक्कत है, तुम जब बात करते हो तो आवाज़ तेरा अटकता है, ये बोलने की प्रॉब्लम कब से है? तो मैंने बताया कि गुरु जी ये तो बचपन से। तो गुरु जी ने कहा कि अरविंद, अगर तुम विधिवत संगीत का रियाज करो, साधना
करो, सरगम का रियाज करो, और इस तरह से उन्होंने कुछ विधि बताया और उन्होंने कहा कि तेरा ये बोलने का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। तो मैंने ये अनुभव किया कि हमारे गुरुजी सिर्फ संगीत ही नहीं सिखाते हैं, बच्चों को संस्कार तो सिखाते हैं, बातचीत बोलने उठने का तरीका भी बताते हैं। आज मैं अपने गुरुजी के इस तरीके को अपनाया तो संगीत को सीखा ही, आज गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे मैंने रियाज किया, चला, उनके तरीके को अपनाया, तो आज मैं आपसे दो शब्द ठीक से बात कर सकता हूँ। ये हमारे गुरुजी का ही दिल है, नहीं तो पहले मैं ठीक से बात नहीं कर सकता था। बहुत ठीक, बहुत ठीक, बहुत बढ़िया आपने बात बताई, बात बताई। क्योंकि गाने में देखिए बहुत सी इश्यूज होते हैं, गाने वालों के बहुत इश्यूज होते हैं, यानी कि जो कि एक मैंने खुद देखा है कि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, जो कि और वो बातें कितने भी साल आपने वो चीजों के लिए गाइडेंस के लिए गाइडेंस की होती है। और मुझे भी लगता है कि ये सो ग्रेटफुल दैट ये गुरु हैं जिन्होंने और जो इतने आराम से बताते हैं और इतने स्पष्ट रूप में बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, अरे किससे हैं, और अब मैं आपको कुछ हमें गाना आपको कुछ दो क्वेश्चन भी हैं जो भी हैं जो कि मैं बोल बोल कम नहीं कम नहीं मेरा आवाज ये आवाज भी कम नहीं रहा है इको आ रही है आवाज में इको आ रही है पर मैं ठीक नहीं कर पा रही नहीं कर पा रही तो मैं क्यों उसको मैं अगर लिख तो बहुत अच्छा रहेगा तब तक आप तो एक सवाल है जो मैं गुरुजी से पूछते हैं करती हूँ कि एक राधिका ने लिखा है कि वो मेरे सामने अभी प्रश्न दो प्रश्न आए हैं तो एक पहला प्रश्न है कि मैं स्वयं संगीत शिक्षिका हूँ परंतु छात्रों को अलग अलग स्वरों से रियाज कराते मेरी स्वयं की आवाज मधुरता खो गई है, इससे इस प्रकार बचे कोई मार्ग बताएं। ऐसा है कि संगीत शिक्षक को तो अलग अलग स्वरों में सिखाना पड़ता है क्योंकि एक ही स्वर के तो तुम्हारे स्वर के सारे शागिर्द नहीं होते, तो इसके लिए तो मैं अपनी आवाज को संभाल के सिखाना है, ज्यादा ऊंचे स्वर में नहीं गाना है और आप अपने गले को जोर नहीं देना है, वोकल कॉर्ड्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहना है जिससे कि तुम्हारी आवाज बनी रहे और गले के जो साधन है कभी या थोड़ी सी गला कर गला खुश्क होने से गला खराब हो जाता है इसका ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न है, मेरी उम्र 35 वर्ष की है, क्या आवाज तैयार करने की मेरी उम्र निकल चुकी है या अभी भी प्रयास कर सकता हूँ, कृपया मार्गदर्शित कीजिए। ऐसा है, संगीत सीखने के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं होता, हाँ जिसको परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना है उसके लिए जल्दी सीखना
क्योंकि उसके लिए काफ़ी समय लग जाता है गला तैयार करने में, उसके लिए ज़रूर ये करना पड़ता है कि वो जल्दी गाना शुरू करें। मगर जो संगीत के साधक हैं वो किसी भी उम्र में संगीत सीख सकते हैं। मुझे ध्यान में है कि शंकर कांतर विद्यालय में 40 के दशक में अलीगढ़ से खान साहब आते थे, वो रिटायर्ड कैप्टन थे आर्मी के, और उनकी उम्र कभी कभी 60-65 साल की थी, मगर वो संगीत सीखते थे। और संगीत सीखने की कोई उम्र नहीं होती, संगीत तो एक विद्या भी है और कला भी है। संगीत की साधना कभी भी कर सकते हैं, इसकी कोई उम्र नहीं होती, और आवाज़ जो है वो अपने आप बनती जाती है। जो जो अभ्यास करते जाएंगे तो आवाज़ तुम्हारी अच्छी होती जाएगी, तो इसलिए कोई उम्र के बंधन न माने और अपना संगीत जरूर सीखें और उसकी साधना करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और बहुत सारे सवाल हैं पर हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अरविंद जी को वे शुरू कर बात करें। मैं शुरू करने जा रहा हूं। गुरु जी आप मुझे इजाजत दें, मैं आज पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आप सबों का मनोरंजन करूं। मैं आज ठुमरी से शुरू करने जा रहा हूं और मैं ज्यादातर अपनी रचना और अपना कंपोजिशन सुनाऊंगा जो गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने की है। एक भजन मेरा जी का भी बीच से मैं सुनाऊंगा। मिस्र पीलू में ठुमरी है। आ जा
रसिया मन बसिया, घर आ साज भई, घर आ जा रे साज भई। घर आए जा रसिया मान बसिया, आ घर आ जा आ घर आ जा, घर आ जा घर आ जा रे, घर आ जा रे साज भई, घर आ जा रे साज भई, घर आ जा रसिया आ मन बसिया, घर आ जा रे साझ की चिड़ैया बोलन लागी, साझ की चिड़ैया साझ की चिड़ैया साझ की चिड़ैया साझ की चिड़ैया बोलन लागी, साझ की चिड़ैया बोलन लागी, बोलन लागी बोलन ला साझ के चिड़ैया बोलन लागी, साझ के चिड़ैया अरे बोलन लागी, बोलन ला बोलन लागी, बोलन लागी साझ के चिड़ैया बोलन लागी, अपने ही यह लगा जा रे साज भई, घर आ जा रे साज भई, घर आ जाए रसिया मन बसिया, मन बसिया घर आ जा आ घर आ जा, घर आ जा रे रसिया साज भई, घर आ जा रे साज भई, घर घर आ जाए
रसिया मन बसिया, अरे घर आ जा घर आ जा घर आ जा घर आ जा आ जा रे साज भई घर आ जा घर आ जा रसी रसिया कर श्रृंगार में करू इंतजार कर श्रृंगार कर श्रृंगार में करू इंतजार कर श्रृंगार में करू इंतजार भूल बन से लगा आ जा रे साज भई आजा रे साज भई घर आ जा रसिया घर आ जा घर आ जा आ घर आ जा घर आ जा घर आ जा रे घर आ जा रे साज भई घर आ जा रे साज भई घर साज भई घर साज अब मैं एक पारंपरिक भजन है जिसको हम निर्गुण कहते हैं। मीरा जी की भजन है, इसके कुछ बोल पारंपरिक है, शब्द इसके कुछ पुराने हैं, तो मैं उसका मीनिंग आपको थोड़ा सा बताता हूं कि कर्म गति रे कर्म गति तारे नहीं तारे कर्म गति। सतवादी हरिश्चंद्र से राजा नीच घर नीर भरे, इस भजन में यही कहा गया है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके अनुसार हमको फल भोगना ही है, यही इस भजन का सार है। कर्म कर्म गति कर्म कर्म गति कर्म गति
करम गति रे करम गति करम गति रे करम गति तारे नहीं तारे करम गति रे करम गति रे करम गति रे करम गति तारे नहीं तारे करम गति रे करम गति रे करम गति तारे नहीं तारे करम गति करम करम गति करम गति करम गति रे करम गति तारे नहीं तारे करम गति रे करम गति रे करम गति रे करम गति तारे नहीं तारे करम गति रे करम गति सतवादी हरिश्चंद से राजा सतवादी हरिश्चंद से राजा चंद से राजा चंद से राजा सतवादी हरिश्चंद से राजा सतवादी हरिश्चंद से राजा नीच घर नीर भरे नठरे रे करम गति रे करम गति रे करम गति तारे नहीं तारे करम गति रे करम गति करम 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 गति करम गति करम गति रे करम गति रे करम गति रे करम गति तारे नहीं तारे करम गति रे करम गति पांचु पांडुवर कुंती द्रौपदी पांचु पांडुवर कुंती द्रौपदी कुंती द्रौपदी कुंती द्रौपदी पांचु पांडुवर कुंती द्रौपदी पांचु पांडुवर कुंती द्रौपदी हार हिमाल गरे नखरे रे हार हिमाल गरे नखरे रे करम गति रे करम गति तारे नहीं तारे करम गति रे करम गति तारे नहीं तारे करम गति रे करम गति भाई करम भाई करम गति हे करम गति करम गति करम गति करम गति रे करम गति तारे नहीं तारे करम गति रे करम गति तारे नहीं तारे करम गति मीरा के प्रभु
गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के मीरा 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 के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर बिख से अमृत बने न कर रे करम गति रे करम गति तारे न तारे करम गति रे करम गति करम गति करम गति करम गति करम गति रे करम गति रे करम गति रे करम गति रे करम गति एक गीत है मेरी रजत रचना है कंपोजिशन है लिखी लिखी पतिया लिखी लिखी पतिया दुखी रे कलैया लिखे 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 पतिया दुखी रे कलैया सजना दूर विदेश रे सजना दूर लिखी लिखी पतिया दुखी रे कलैया लिखी लिखी पतिया दुखी रे कलैया सजना 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 सजना
सजना सजना सजना सजना सजना सजना सजना सजना दूर विदेश सजना 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 दिन नहीं चैन मुहे रात नहीं नींद आवे रात नहीं नींद आवे कास्तिक
चूंकि मैं बिहार से हूं तो बिहार के कुछ पारंपरिक चीज में सुनाना चाहता हूं। हम सब बहुत मजा ले रहे हैं आपके कार्यक्रम का जी। वर्चुअल गाना बड़ा अजीब होता है क्योंकि कोई ऑडियंस तो है नहीं सामने। मैंने कहा आपको बता दूं कि हम सब हैं नहीं नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है अपना ऑडियंस के सामने गाना ना, और ये सोचना कि आप सब देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि सब लोग सामने हैं, आप हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं बिहार का कुछ पारंपरिक चीज, हर प्रांत का एक अपना वातावरण है, रहन सहन है, खान पान है, पहनने का अपना तरीका है। तो मैंने देखा कि मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी माँ जाँता चलाती थी, जाँता आटा पीसती थी, वो 4 बजे सुबह से शुरू हो जाती थी, तो जाँता चलाती है भी मेरी माँ गाती थी। माँ ने कभी संगीत नहीं सीखा, लेकिन यही गांव का वातावरण है कि अपना पारंपरिक चीज वो अपनी सास से, अपनी दादी से, अपने भाभी से सुनते सुनते गांव के लोग गाने लगते हैं। तो माँ को भी मैंने गाते देखा था। तो मैंने देखा था कि मेरे यहाँ एक बार खेत में बारिश के समय, यही समय था, तो लोग धान रोपते हुए भी हमारी माँ बहने गीत गाती थी। शादी ब्याह के समय तो गीत लोग गाते ही है, जन्म के समय, किसी बच्चे का जन्म के समय तो गीत गाते ही है, लेकिन फसल रोपते समय, फसल का बीज डालते समय भी लोग गीत गाते थे। अब थोड़ा सा दूरदराज गांव में कहीं कहीं आज देखने को है, लेकिन अब थोड़ा कम है। तो उसी चीज को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, थोड़ा मैं उस याद को सामने लाना चाह रहा हूं। तो एक गीत है मंगल गीत। जब किसी लड़की की शादी होती है तो बारात से पहले तो सबसे पहले बारात आने से पहले लड़की को मेहंदी लगाई जाती है, तो उनके सखी सहेली रिश्तेदार जितने होते हैं वो लड़की को मेहंदी लगाते हैं, और मेहंदी के साथ साथ गीत भी लोग गाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मंगल गीत। तो ये भाषा भी गांव की है, उसी भाषा में मैं आपको सुनाता हूँ। आज शुभ दिन मंगल गावेली, आज शुभ दिन मंगल गावेली, गाई के सुनावेली, सखिया आजू आई है बेटी के बरात, बेटी दूल्हिन हुई है। माँ गा रही है कि आज मेरी बेटी की बरात आ रही है, और आज के ही दिन मेरी बेटी मुझसे पढ़ाई हो जाएगी, यही इस गाने का धुन है। आज शुभ दिन मंगल गावेली, गाई के सुनावेली है, सखिया आजू आई है बेटी
के बरात बेटी दूल्हिन हुई है, सखिया जो आई है बेटी के बरात बेटी दूल्हिन हुई है। धन धन बाबा आगनैया, धन 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 बाबा आगनैया, जहाँ शहनाई बाजली है। धन धन बाबा आगनैया, जहाँ शहनाई बाजली है। बेटी मुसकी शर्मा बेली, मेहदी लगा दे बेटी मुसकी शर्मा बेली, मेहदी लगा दे। धन धन बाबा तो हर भाग, धन 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 बाबा तो हर भाग, की बेटी कन्या दान हुई है, आजू होई जई है बेटी पराई, नैहर पराई गई, आज होई जई है बेटी पराई, नैहर पराई। आज शुभ सुना बेली है, सखिया आजू आई है बेटी के बरात बेटी दूल्हिन हुई। ये हमारे बिहार के पारंपरिक मंगल गीत मैंने आपको सुनाया। हाँ गीता जी, क्या आदेश है, और भी कुछ सुनाओ या आगे बढ़ूं? वैसे अगर आपकी इजाजत हो, समय की पाबंदी है, तो मैं यहीं पे रखना चाहूंगा। और अगर कुछ एक गाना फिर मेरे ख्याल से हम ऑडियंस से विदा लेंगे, फिर आप एक गा लीजिए जी। तो मैं सबसे लास्ट में एक इस समय के वातावरण के अनुसार मैं गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस समय हम सब, हमारा देश एक साथ कई लड़ाई लड़ रहा है, कोरोना से, आर्थिक से, भारत और चीन के सीमा पे भी एक लड़ाई है। तो इससे मैं हम कई एक लड़ाई एक साथ लड़ रहे हैं, तो मैं इस कार्यक्रम का समापन एक देशभक्ति गीत से करने जा रहा हूं, जो गीत मैं अपने देश और अपने भारत के सेना को समर्पित करने जा रहा हूं। Thank you.
सा र ग ग म प प म ब म प म द प म ग म र ग र नि र सा जय 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 भारत माता जय 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 भारत माता जय 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 भारत माता अविरत हो तेरी गौरव गाथा अविरत हो तेरी गौरव गाथा जय 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 भारत माता जय 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 भारत माता जननी जन्मभूमि तू ही माता जननी जन्मभूमि तू ही माता जन जन तुमको शीश नवाता जन जन तुमको शीश नवाता वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जन जन आज है गाता माता जय 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 भारत माता जय 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 भारत माता गौतम कबीर नानक की माता 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 गौतम कबीर नानक की माता भगत राज सुखदेव की माता नेता सुभाष आजाद की माता ऊंचा सदा रहे तिरंगा लहर लहर लहराए तिरंगा भारत भाग्य विधाता माता जय 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 भारत माता जय 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 भारत माता अविरत हो तेरी गौरव गाथा जय 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 भारत माता नमस्कार मैं अपना कार्यक्रम यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ आप सब लोग जुड़े और इतना प्यार स्नेह आप सबों ने दिया और मेरा सुना इसके लिए आप सभी श्रोताजन को बहुत बहुत धन्यवाद शंकर गंधर्व महाविद्यालय ग्वालियर को बहुत बहुत धन्यवाद मीता जी जिनके प्रयास और जिनके प्रयास से आज मुझे मीता पंडित ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मुझे गाने का सुभाग प्राप्त हुआ इसके लिए विदुषी मीता पंडित जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद करता हूँ हम उनके बहुत आभारी हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और हम हमारे सभी जो दर्शक हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ
क्योंकि आप नहीं होंगे तो हम ये कर नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच कि आप अपना मूल्यवान समय हमारे लिए आपने बताया। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो हर गुरुवार को वेट करते हैं गुरुवार सभा की, इससे सभी साधकों का बहुत मनोबल बढ़ता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस समय पे आपके पास आए और प्रस्तुत कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों, आप सभी जी प्रणाम। सारे श्रोतागण को भी नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और शंकर गांधर महाविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।